हेलो कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे और बाद में गाइडेंस का कार्ड निकालेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि इन दिनों आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपके ये दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के ये दिन कैसे रहने वाले हैं, 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, आपका हेल्थ वेल्थ स्टूडेंट्स जॉब बिजनेस और ये सिंगल्स और ये रिलेशनशिप के लिए आए। ये आप का हेल्थ के लिए आया है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को बिगाड़े हुए हैं, आप परेशानी में हैं, आप दिक्कत में हैं, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बांधा हुआ है, या कह सकते हैं कि इसके जिम्मेवार आप खुद हैं। आपने अपनी हेल्थ को अपने हाथों से बिगाड़ा हुआ है, क्योंकि आप हर वक्त परेशानी में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, दिक्कत में रहते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। तो आप अगर मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, आप अपनी आँखों से पट्टी नहीं खोलेंगे, स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप अपनी हेल्थ को और भी खराब कर सकते हैं। तो इस दिक्कत से आप अगर चाहें तो अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। आँखों से पट्टियाँ खोलिए, आपने जो आपने अपने आप को कैद कर लिया है या जकड़ लिया है, उस जकड़न से बाहर आइए और धीरे धीरे करके घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए, थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कीजिए। और जो जो परेशानियां जो दिक्कतें आपको दिख रही हैं, अगर आप घूमेंगे फिरेंगे लोगों से बात करेंगे, तो आप धीरे धीरे करके अपने हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं, उसको एक अच्छी हेल्थ आप इसमें कर सकते हैं, एक इम्प्रूव आप पा सकते हैं। तो समय पर दवाइयाँ खाइए, घूमिए फिरिए, लोगों के साथ मिलिए बैठिए और इस दिक्कत से इस परेशानी से इससे बाहर निकलिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके आप इससे बाहर जरूर निकल पाएंगे। ये वेल्थ के लिए आया है। तो अभी आपको वेट लग रहा है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, तो लेकिन आप इसमें कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी दिक्कत में हैं। तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, आपको इसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें एक तरफा डिसीजन ले लेते हैं तो इसमें आप रिजल्ट्स आपके हक में आने वाले हैं, पॉजिटिव आने वाले हैं। तो थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। दोनों में से एक को आपको चुनना पड़ेगा, एक फैसला आपको करना पड़ेगा। जिस तरफ भी आप जाएंगे उसमें ही आपकी ग्रोथ है, सक्सेस है। तो आप अपने आप पर भरोसा कीजिए और एक जगह फोकस कीजिए फिलहाल के लिए आप। और अगर आप फॉरेन में भी जाना चाहते हैं तो वो भी आगे जाकर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, आप फॉरेन में भी स्टेबल हो सकते हैं, या अपना करियर या अपना वेल्थ के प्रति काम कर सकते हैं। आप को सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रुक कर ठहर कर वेट करने की ज़रूरत है। जैसा भी आप करेंगे वो रिजल्ट आपके फेवर में होगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो समय रहते आप एक्शन लीजिए, समय को वेस्ट मत गवाइए, लेकिन सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो स्टूडेंट्स लग रहा है कि आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हो सकता है कि कुछ बच्चे कई बार पेपर दे चुके हैं या परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं आया है। लेकिन आप इसमें गिव अप मत कीजिए। जब तक आखिरी दाव आप नहीं खेल लेते या आखिरी मौका आपको मिल रहा है, तब तक आप इसमें मेहनत करते रहिए,
कोशिश करते रहिए, हो सकता है कि आप इसमें सक्सेस होंगे। और अगर आप मेहनत करते रहे, एफर्ट लगाते रहे, तो धीरे धीरे करके आप अपने रिजल्ट्स को पॉजिटिव जरूर बना सकते हैं। तो गिव अप मत कीजिए, आप आखिरी दांव खेलिए, आप मेहनत करते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, कोशिश करते रहिए, परीक्षाएं देते रहिए, और आप रुके रहिए, डटे रहिए, आपको रिजल्ट्स जरूर अच्छा मिलेगा। आप काफ़ी हताश हो चुके हैं, काफ़ी निराश हो चुके हैं, दिल दिल से आप टूट चुके हैं, लेकिन आपको हौसला रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके आप अपनी बुलंदियों को पा सकते हैं, आप दोबारा से अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें गिव अप नहीं करना है, इसमें हौसला बनाए रखना है, मेहनत और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। ये जॉब के लिए आया है 7 of Cups, तो ये 7 of Cups का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप लग रहा है कि जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां से अभी आपको निकलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप के लिए ये जॉब नहीं बनी है, आप इस जॉब में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, आप यहाँ खुश नहीं हैं, काफ़ी बाधाएं आपको घेरे हुए हैं, काफ़ी परेशानियां घेरे हुए हैं, तो आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो आप इससे बाहर निकलिए, अपना अभी के लिए कम से कम आपको ये जॉब छोड़ने की ज़रूरत है, यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस चीज़ में खुशी नहीं मिलती वहाँ को काम करने का कोई मतलब नहीं होता। तो आप अपने लिए या अपने परिवार वालों के लिए या दूसरों की खुशी के लिए इसे छोड़ दीजिए, इससे बाहर निकलिए और यहाँ से लेट गो कीजिए। इसमें आपका और दूसरे लोगों का सबका भला है, आप ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए। और क्योंकि अभी जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या जॉब करने की सोच रहे हैं वहाँ लग रहा आपको एक ग्रहनुमा स्थिति लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरी जॉब पर, मेरे काम पर ग्रहण लगा हुआ है, तो आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, उससे उभरने की ज़रूरत है। तो वहाँ से आप या तो अपनी जॉब चेंज कर लीजिए या स्थान को बदल लीजिए, जैसे भी हो सकता है आप, लेकिन यहाँ से निकलिए जहाँ फिलहाल आप जॉब कर रहे हैं। डेथ, तो ये बिजनेस के लिए आया है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, चेंजिंग का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको छोड़ना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं, तो उसको आप छोड़िए। हो सकता है उसको छोड़ने में अभी आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़े, दिक्कतें उठानी पड़े, और अभी आपको दुख हो सकता है जो आप का जा रहा है, जो नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे करके जो भी होगा आपके फेवर में होगा। एक हो सकता है कि आपके बिजनेस में एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो जाए, तो अभी के लिए आप उसमें पैसा मत लगाइए, नया बिजनेस शुरू मत कीजिए, अभी आपको रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है, समय आपके फेवर में नहीं है, तो आप अभी रुकिए, ठहरिए, और जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, तो उनको आप, हो सकता है कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हों, हो सकता है आपके बिजनेस में चेंजेस आ रहे हों, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, चेंजिंग का कार्ड है, बदलाव का कार्ड है। तो एक धीरे धीरे करके हो सकता है कि इसके बाद अभी आपको कुछ अपना खोना पड़े, कुछ नुकसान उठाना पड़े, जिससे आपको काफ़ी आप हताश हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन आप यकीन रखिए जो भी होने वाला है वो आपके फेवर में होने वाला है, आगे जाकर आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। तो जो होता है उसे होने दीजिए, जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, तो फिलहाल के लिए उसे छोड़ दीजिए, अभी नया बिजनेस, नया काम आप मत कीजिए। द हाई प्रिस्टेस, ये सिंगल्स के लिए आया है, तो सिर्फ और सिर्फ अभी आप सिंगल्स ही रहिए, अभी रिश्ते के बारे में मत सोचिए, प्यार मोहब्बत के बारे में मत सोचिए, अभी आपको मौन रहने की ज़रूरत है, अभी आपको विजडम इकट्ठी करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, सब कुछ आपको हासिल करने की ज़रूरत है। तो अभी आप समय आने पर ही आप
अपनी चुप्पी तोड़ सकते हैं, अपना रहस्य खोल सकते हैं, अपना भेद खोल सकते हैं। अभी के लिए आप इस रिश्ते में मत पड़िए, इस पचड़े में मत पड़िए, इसे आपको बचने की ज़रूरत है, इससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी शायद आपके ये फेवर में नहीं होगा, आपके लिए रिश्ता ठीक नहीं होगा। गाइडेंस, ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स आपके गाइडेंस के लिए आया है। तो अगर आप जिस दोराहे पर खड़े हैं, आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं, आप दोराहे पर हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आपको आपको खड़ा होकर पीछे हटकर रुकना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। आप जो आपने आंखों पर पट्टियां बांधी हैं उसको खोलिए और एक नए रास्ते की तलाश कीजिए, उस अपनी मंजिल पर आगे बढ़िए और अपने काम को अंजाम दीजिए या अपना काम शुरू कीजिए। आपको अभी रुक कर, ठहर कर, सोच समझ कर आगे बढ़ने की इसमें सलाह दी जा रही है। अगर आप अपनी आंखों से पट्टियां नहीं खोलेंगे तो आप परेशानी से बाहर नहीं निकल सकते, आपको और भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो गाइडेंस आपको दी जा रही है कि आप एक रास्ता चुनिए जो आपके लिए सही है, आप फैसला कीजिए, आप दो राहे पर मत रहिए और आगे बढ़िए, अपनी मंजिल को हासिल कीजिए। जो आप मंजिल चुनेंगे आगे जाकर वो आपके लिए अच्छी हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तो तब तक के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।